है इतने सर। लड़कियां तो बाधु बाद में रू पड़ती है, तब प्रेम हो गए है, तो प्रेम प्रेम कुछ नहीं, और फिर थोड़ी बाद में हा हू हू तो प्रेम कर ले है कि नहीं। किंतु देखो राहत इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी, प्रेम की परिभाषा क्या है कितना सुंदर है। महाप्रभु क्यों ये दिखा रहे, क्या दिखा रहे, नयनं गलस्तु धारया बदनं गदगद रुद्ध है गिरा पुलार कोई निजी तंग बबू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। यही प्रभु आपके नाम ग्रहण करते करते ऐसे शरीर में कैसे पुलक रोमांच कंपास कैसे है, नाम ग्रहण और आंखों से आंसू गिर रोमांच है, नयनं गलस्तु धारया बदनं गदगद रुद्ध है गिरा थ्रोट के हुए चुप हुए कृष्ण नाम उच्चारण क्री क्री शब्द होनी चाहिए बस है, किंतु उसमें क्या आनंद है कौन वर्णन कर सकता है, विरह में आनंद है, विरह में इतने आनंद होता है वो वर्णन करना संभव नहीं है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति रामायण पाठ कर रहे थे, सीता जी की पाताल प्रवेश है ना है, इतने कुरनाम तक है उस बात को सभी रूप पड़ेंगे है। यह तो भी भगवान रामचंद्र ही रूप पड़े, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, भगवान रामचंद्र भी रूप पड़े, दूसरे की बात क्या है। और उस लीला कौन सा लीला चल रही है, सीता जी का पाताल वो बहुत है ठीक है। और जब वो वक्ता जब ये बोल रहे थे इस कथा को, इतने सुंदर रूप में प्रेजेंटेशन कर रहे थे, बोल रहे थे और सब श्रोता रो रहे, कथा समाप्त तो हो गया, सब श्रोता चले गए, फिर दूसरे दिन को फिर पुनः यही यही कथा हो गई। देखो पुनः उस दिन और अधिक लोग आने लगे, रोने के लोग क्यों आते तुम बताओ, बोले नहीं रोने हैं, रोने में इतने आनंद हो, हंसने में उतना आनंद नहीं हो सकता है, रोने में आनंद होता है, इतना आनंद हो। इसी कहते हैं विरह, ये कहते हैं विरह जो है श्रेष्ठता दिखाए, इसी कहते हैं ये विरह जो है मिलन की मानो फन पर नृत्य करते हैं, वो विरह है क्या, इसलिए बी रह बी माने विशेष, रह माने मिलन, जहां पर विशेष मिलन होता है उसे कहा जाता है विरह, विरह में है, विरह में तड़प राधा जी बैठी हुई एकांत कृष्ण चिंतन करते जा रहे हैं, आंखों से आंसू गिरता है, आज चिंतन करते करते कृष्ण सोच रहे हैं मैं राधा हूं, ये मैं कृष्ण हूं, ये राधा जी सोच रही है मैं है कृष्ण, और आंखों के ऐसे अंगुली दे करके और कथ कर कृष्ण तुम क्यों हमारे पास आए, अरे तुम कृष्ण हो, हा हा करके आज देख सखिया कहने लगा रही कृष्ण कहाँ है, बोले कृष्ण, और कृष्ण जब एक बार जब मिले कृष्ण राधा जी से, राधा जी कहने लगे राधे उस दिन तुम हमारे विरह में जो रो रही थी, अब वास्तव मैं तुम्हारे पास नहीं था है, तो ये समझते विरह में मिलन होता है, मिलन में विरह, मिलन विरह देव लेकर के प्रेम चलते रहा, प्रेम और कुछ मैंने विरह मिलन, मिलन और विरह, जितना जितना विरह होगा मिलन रस उतना ही वो आस्वादन है। अब ये मिलन की निर्भर करते हैं किसे, जितना संबंध ज्ञान हमारे गाढ़ होते जाए है, संबंध ज्ञान में क्या रहता है, एक होते ममता रहा है, ममता और समते ममता प्रीति रहता है, गलत हो गया सेवा वृत्ति जगह है वो उतना ही गलत धारण कर, तो इसलिए कह दिया महापुरुष के नयनं नयनं गलस्त्र धारया गदनं गदनं
क्योंकि नाम में कोई भेद नहीं, कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए कृष्ण नाम ग्रहण कर करने के साथ ही से नाम रूप गुण लीला स्वत ही स्फूर्ति हो जाए, स्टिमुलेट होता है, यही तो कहते हैं। इसलिए महापुरुष स्वयं इसको नाम रस का आस्वादन करते हैं, जिसे प्रबोधानंद सरस्वती पास नाम को राधेति नाम नवसिंधु से कृष्णेति नाम राधा नाम मन साक्षात अमृत स्वरूप है, और कृष्ण नाम ये क्या किसी हाथ में नहीं, गाढ़ो अमृत के साथ तुलना है, एक के अमृत के साथ और एक है दुग्ध के साथ, माने दूध के साथ तुलना, जैसे अमृत और दूध एक साथ में मिला करके पान है उस लोग पर है, बहुत सुंदर भजन रस में श्लोक भी करते हैं, राधे दी नाम ये देखो, राधेति नाम नमो सिंदूर सीधु मुग्धम कृष्णेति नाम कृष्णेति नाम मधुर मधुर क्या राधेति नाम नाम सुंदर सिंधु कृष्णेति नाम राधेति नाम गाढ़ो मधुर है, और ये अमृत और दूध के एक साथ में मिलाकर के क्या करो पान करो, अर्थात कौन सा नाम जप करो, राधा नाम और कृष्ण नाम दोनों नाम में इतने आनंद है, नाम में इतना आनंद, नाम जप करने से सब साथ ही साथ अपने आप लीला स्मरण हो जाते है, गुरु प्रेमानंद।